गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी फिलहाल तो मैं भुज में हूँ और अभी बजे है 10:30 और भुज में हम 1:30 या 2 बजे तक ही रहने वाले हैं। तब तक हम भुज सिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आज सुबह 6:30 हमारा ट्रैकिंग था सनराइज पॉइंट के। हेलो फ्रेंड्स, तो पूल पार्टी ख़त्म होने के बाद हमने लंच कर लिया था। लंच करने के बाद थोड़ा टाइम हमने आराम किया। इसके बाद अभी 4:30 और 4:30 हम ये सब एक्टिविटीज़ करने वाले। देखो मैं रेडी हो चुका हूँ। अब बहुत सारी एक्टिविटीज़ है और इस एक्टिविटीज़ के बाद मैं वीडियो शूट कर लूँगा। सो वो देख लेना। और एक्टिविटीज़ अभी आपको कैमरे में पीछे देख रही होगी, ये है जिप लाइन है। जिप लाइन के बाद एक मोटर का ड्राइविंग है, मतलब एडवेंचर टाइप है। सो वो भी मैं शूट करने वाला हूँ, मैं आप सबको बताऊँगा। तो चलो मिलते हैं बाद। हेलो गाइस, तो अभी जो थोड़ी सी एक्टिविटीज़ थी वो हो गई है और मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। जो मेन जो एक्टिविटी थी जिप लाइनिंग, उसमें मेरे साथ क्या हुआ। वो जिप लाइनिंग में मैंने उसका ही मुझे मेन शूट करने का था, बट जिप लाइनिंग ख़त्म हुई तब मैंने देखा तो वीडियो ऑन ही नहीं हुआ था। और दूसरी बार मैंने रिक्वेस्ट की थी जिप लाइनिंग के लिए, बट वो लोग के रूल्स के खिलाफ है। सो मैंने भी बहुत बाद में रिक्वेस्ट नहीं की, तो मैंने किया, कोई बात नहीं, एंजॉय तो कर लिया अब। और इनसे भी खतरनाक एक्टिविटी और है, एक है ऑफ रोडिंग, जो अभी हम करने वाले हैं। और उसकी चार्ज है पर पर्सन 2000 रुपीज़। सो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ऑफ रोडिंग के लिए यहाँ पे 2 कार से, एक जिप्सी है और एक दूसरी यहाँ पे देखो पीछे जो है वो। और जो जिप्सी की ऑफ रोडिंग थी बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही एडवेंचरस था। सो अभी देखते हैं इस कार में ऑफ रोडिंग कैसे एक्सपीरियंस रहता है। We did some fun activities at campsite. Then we had a dinner, and after dinner there was a campfire, and there some instructors said some stories about this campsite and another trekking spot in Sruval NGO. And then we did garba and dance. We are Gujju, so garba to bane. And it was our campsite which looks like in the night. Then next day in the early morning there was a trekking from our campsite to the sunrise point. Here are the some suits of the trekking. Views the पहचानते हो इस बंदे को, पहचानते हो? कैप्सूल ला बैठ गया मेरा। क्यों एक्सपीरियंस रही हो? एक नंबर भाई। आज अजी बीजो दिवस छे, फुल एन्जॉय।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी फिलहाल तो मैं भुज में हूँ और अभी बजे है 10:30 और भुज में हम 1:30 या 2 बजे तक ही रहने वाले और तब तक हम भुज सिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आज सुबह 6:30 हमारा ट्रैकिंग था सनराइज पॉइंट के लिए, सो वो ट्रैकिंग किया और आपने शायद अभी वो सीन मैंने टाइम लैप्स लिया था और ब्लॉग भी शूट किया था, वो आपने देख लिया होगा। और अभी ऐसा है कि हमारी जो बस थी वो पार्किंग में पार्क कर दी है और हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उसने बोल दिया कि आपको जहाँ भी जाना है फूड सिटी को एक्सप्लोर कीजिए और उसने हमें बहुत सारी प्लेसेस का नाम भी बताया है वहाँ पे हम जाने वाले हैं। एक पराग महल है, आईना महल है, एक हमीरसर करके लेक है, राम कुंड है और एक दो प्लेसेस और भी है। तो देखते हैं हम कितनी कवर कर सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 3 घंटे है और 3 घंटे के अंदर हमें ये सब प्लेसेस कवर करनी है और साथ में लंच भी करना है। अभी सब यहाँ पे कुछ और फ्रेंड्स आने वाले हैं, उसका वेट कर रहे हैं। गाइज अभी तक की जर्नी तो बहुत अच्छी रही है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और आगे हम मैं आपको दिखाऊंगा भुज सिटी। तो अभी हम आईना महल जा रहे हैं और आईना महल आगे ही है और आईना महल का क्या सीन है कि आईना महल 12 बजे बंद हो जाता है, क्लोज होता है। तो पहले हमने ये डिसाइड किया कि हम पहले आईना महल चले जाते हैं, उसके बाजू में ही हमीरसर लेक है और वो सामने ही है। अभी तो सभी प्लेसेस यहाँ पे आस पास ही है। तो एक और काम भी है, आज हम 6:30 भुज से निकलने के बाद वाइट डेजर्ट जाने वाले हैं और वाइट डेजर्ट के लिए हमने परमिशन ऑनलाइन ली थी, तो उसकी जो फी रिसीट है उसकी जेरोक्स निकाल लें, तो उसकी जेरोक्स भी एक निकालनी थी। और एक कच्छ म्यूजियम करके भी एक म्यूजियम है यहाँ पे कच्छ का, शायद अभी टाइम रहेगा तो अभी हम वो भी कवर करेंगे। और मेरी लेफ्ट साइड पे अमृतसर लेक है। अरे जगपास सही शेयर सम एक्सपीरियंस किलिंग मेरे को बहुत मजा आ रहा है। इतना मजा मेरे को, इतनी खुशी, इतनी खुशी आज तक नहीं हुआ भाई। બધા ફૂલ જ મૂડમાં છે આમ તો યાર, હિન્દીમાં બ્લોગ કરવાની જગ્યાએ ગુજરાતીમાં બ્લોગ કરવાની મજા આવે છે મને તો, મિક્સ હિન્દી ગુજરાતી। એમ મારો બ્લોગ કોણ જોવાનું છે? ફ્રેન્ડ્સ, એમ તો ધ્યાન છે મારું ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી। તો જે ઝેરોક્સ જે કઢાવવાની હતી તે અમે જે પ્રિન્ટઆઉટ નીકાળી લીધી છે એન્ડ હવે જઈએ છીએ આઈના મહેલ। અમારા અડધા ફ્રેન્ડ્સ અહીંયાથી રસ્તો છે 10-15 મિનિટનો, બટ અમુક અમારા અડધા ફ્રેન્ડ્સે ઓટોમાં જતા રહ્યા અને અમારી સાથે બીજું એક બે ભાઈ બી જોડાયા છે, ચાલો તેમને બી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવો। તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન થોડુંક આપી દેજો। મારું નામ સંદીપ છે, હું ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર છું, અત્યારે અમે અમદાવાદમાં જોબ કરી હતી, આમ જામનગરથી છું અને બીજા એક એના ફ્રેન્ડ છે। હેલો નમસ્તે, હોલા મરબા, અસલામ વાલીકુમ, હું વિરલ ગામે અને ફ્રીલાન્સિંગ કરું છું, મારો અત્યારે જોઈએ આગળ હજી કેટલી મજા આવે છે। હજુ એક દિવસ છે આવતીકાલનો અને આવતીકાલ આઈ થિંક ધોળાવીરા જોવાના છે, અને અહીંયાથી અમે 2:30 ના સોરી 2 વાગે અરાઉન્ડ અમે અહીંથી ભુજથી નીકળી જશું અને વ્હાઇટ ડેઝર્ટ જવાના છીએ અને વ્હાઇટ ડેઝર્ટમાં સનસેટ કરીશું આપણે। એન્ડ હા, જો મારે તમને કહેવાનું હતું કે પરાગ મહેલ નહીં, એનું સાચું પ્રોનાઉન્સિએશન છે પરાગ મહેલ, નોટ અ પરાગ, માય મિસ્ટેક, આઈ એમ સોરી, નોટ અ પરાગ, પરાગ મહેલ। અત્યારે મેં બોર્ડમાં વાંચ્યું ત્યારે ખબર પડી એ બી આ સાઇડ જ છે, આઈના મહેલની બાજુમાં જ છે એવું કંઈક છે, હમીરસર લેક, પરાગ મહેલ અને આઈના મહેલ,
તો એનું સ્થળ સાવ આજુબાજુમાં જ છે, ચાલીને જતું રહેવાય એવું. પાછળનો લુક જોવા ગયા બહુ જ. આઈના મહેલમાં એન્ટ્રી. મસ્ત છે ભાઈ, મેં તમને હમણાં બતાવું. આજે પાછળ જે બિલ્ડિંગ છે મહેલ તો એક્ઝેક્ટલી આયરો આ છે. સો ચલો જઈએ, શું સીન છે ઉપર જઈને ખબર પડશે. અને અહીંયા બી એન્ટ્રી ચાર્જિસ છે, ખબર નહીં કેટલી છે, બટ ફ્રેન્ડ્સ લઈ રહ્યા છે. શું પેલા એકચ્યુઅલી અંદર ફોન સલાઉડ નથી. અહીંથી ક્યાં કઈ બધું જોવાના છીએ આપણે? સ્ટ્રીટ ફૂડ, અમે સ્ટ્રીટ ફૂડ ટ્રાય કરવાના છીએ. આપણે શું શું ખાવા જઈ રહ્યા છીએ? પેલા ડાવડા સેન્ડવિચ જઈશું, બહુ ફેમસ છે એવી વાત મળી છે. હા, એટલે ત્યાં જઈએ. પછી અહીંયા કેમેરો છે એટલે અહીંયા જોજે. હા, પછી પછી ત્યાં જઈએ, પછી મજા આવશે. સંદીપભાઈ, તમારે શું ખાવાનું છે? તમારે શું ખાવાનું વિચાર છે? બાકી લોકલ ફૂડ, લોકલ પબ્લિકને પૂછીને લોકલ ટ્રાય કરવાની ઈચ્છા છે. અહીંયા આવ્યા છીએ તો લોકલ ફૂડ અત્યારે ટ્રાય કરવાનું. બાકી તો બીજું બધું તો આપણે ખાતા જ હોઈએ, સેન્ડવિચ પીઝા ને એવું બધું. તો ફરવા જઈએ તો આપણે ફર્સ્ટ લોકલ ફૂડ ટ્રાય કરવાની રાખવાનું, ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી લોકલ ફૂડ. હા, જેને ખાવાનો શોખ હોય અમારી જેમ પહેલાં લોકલ ફૂડ ટ્રાય કરવાનું. ફાઇનલી ભુજથી અમે વાઇટ ડેઝર્ટ પહોંચી ગયા છીએ.